नमस्कार, आज के नागपुर हलचल में मैं ऐश्वर्या शिंदे आपका स्वागत करती हूं। आइए नजर डालते हैं नागपुर की विविध हलचल पर। शिवसेना सांसद व प्रवक्ता संजय राउत के खिलाफ ईडी छापे की खबर मिलते ही नागपुर में शिवसैनिक भड़क उठे। इस कार्रवाई को बदले की कार्रवाई बताते हुए महानगर संपर्क प्रमुख दुष्यंत चतुर्वेदी के मार्गदर्शन में वैरायटी चौक में बड़ी संख्या में शिवसैनिक जुट गए। ईडी और भाजपा सरकार के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगने शुरू हो गए। आक्रोशित शिवसैनिकों ने संजय राउत के समर्थन में भी जमकर नारे लगाए। प्रदर्शन के दौरान शिवसैनिकों को उग्र होता देख पुलिस भी एक्शन में आ गई। शहर प्रमुख नितिन तिवारी सहित बड़ी संख्या में शिवसैनिकों को हिरासत में लिया गया। तिवारी ने आरोप लगाया है कि शिवसेना के फायरब्रांड नेता राउत के खिलाफ भाजपा सरकार ईडी के माध्यम से द्वेषपूर्ण कार्रवाई कर रही है और ये शिवसैनिक बर्दाश्त नहीं करेगा, आगे भी सड़कों पर उतर कर तीव्र निषेध किया जाएगा। तिवारी ने कहा कि भाजपा शिवसेना को समाप्त करने का घिनौना षड्यंत्र कर रही है। चूंकि राउत भाजपा की तानाशाही के सामने न झुकते हुए अपने पार्टी के विचारों को निर्भीकता पूर्वक जनता के सामने रखने का काम कर रहे हैं, इसलिए उन पर ईडी के माध्यम से दबाव बनाया जा रहा है और डराने की कोशिश की जा रही है। हाल ही में श्री राजपूत करणी सेना के एक प्रतिनिधि मंडल ने विधायक समीर मेघे से बातचीत की एवं वाड़ी में महाराणा प्रताप के भित्ति चित्र बनाने की मांग की। मेघे ने आश्वासन दिया एवं वाड़ी नगर परिषद के मुख्याधिकारी विजय देशमुख से बात करके तुरंत उचित स्थान सुनिश्चित करने का निर्णय लिया। कुछ दिन पहले ही करणी सेना द्वारा वाड़ी नगर परिषद के मुख्याधिकारी को इस बारे में ज्ञापन सौंपा गया था। विधायक मेघे से मुलाकात के दौरान श्री राजपूत करणी सेना के जिला अध्यक्ष प्रमोद सिंह, हिंगना विधानसभा अध्यक्ष सुष्मित सिंह राजपूत, उत्तर भारतीय सभा वाड़ी अध्यक्ष प्रवीण सिंह, ट्रांसपोर्ट आघाड़ी के अध्यक्ष मान सिंह ठाकुर, गुलाब सिंह, विमलेश सिंह, देवेश सिंह, हेमंत सिंह, संजय सिंह, मुकेश सिंह, पुष्कर सिंह, रंजीत सिंह, ऋतुराज सिंह, पीएस तिवारी आदि सदस्य एवं पदाधिकारीगण मुख्य रूप से उपस्थित थे। भाजपा प्रभाग क्रमांक 25 द्वारा खंडेलवाल भवन फूल ओली सराफा बाजार इतवारी में मेधावी विद्यार्थियों का सत्कार समारोह आयोजित किया गया। 10वीं एवं 12वीं कक्षा के 130 से ज्यादा मेधावी छात्रों का इस अवसर पर मोमेंटो एवं प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के अध्यक्ष कमल बज एवं प्रमुख वक्ता स्वरूप पुलक मंच परिवार के राष्ट्रीय संयोजक मनोज बंड जैन द्वारा सामाजिक विषयों पर उत्कृष्ट मार्गदर्शन किया गया। इसका लाभ उपस्थित विद्यार्थियों को काफी हद तक मिला। इस अवसर पर प्रमुख अतिथि विधायक विकास कुंभारे, पूर्व विधायक गिरीश व्यास, मंडल अध्यक्ष किशोर पलांदुरकर, विंकर प्रकोष्ठ प्रदेश संयोजक श्याम चांदेकर, मंडल महामंत्री सुबोध आचार्य संजय चिंचोले, दशरथ मस्के, विनय जैन, सुमत लल्ला जैन, राजेश घोड़पागे, वंदना यंगटवार मुख्य रूप से उपस्थित थे। कार्यक्रम का संचालन बाला पलसापुरे ने किया और नैनेश पोनेकर ने धन्यवाद ज्ञापित किया। राहुल साउरकर, मुकेश सिरसागर, चंद्रकांत वाघ, राजा पतंगे, नितिन इटनकर, जीवन पराते, प्रशांत मानेकर, अभय जैन, सोनू जैन, सचिन कावले, महिला पदाधिकारी अनीता काशीकर, रजनी जैन, सुनैना सोनी व सभी कार्यकर्ताओं ने विशेष सहयोग से कार्यक्रम सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। राज्य के सीएम व डिप्टी सीएम ने पहले ही बाढ़ग्रस्त जिलों चंद्रपुर व गढ़चिरौली का दौरा किया है। राज्य के अतिवृष्टिग्रस्त गांवों का पंचनामा भी हो गया है। उसके बाद विरोधी पक्ष नेता अजित पवार ने दौरा कर किसानों के लिए मुआवजे की मांग की है। उस पर भाजपा नेता चित्रा वाघ ने कहा कि हमारी सरकार ऊंट पर बैठकर बकरी नहीं हाँकती। वाघ उमरेठ में एक बच्ची पर अत्याचार की घटना के बाद पीड़ित परिवार को भेंट देने आई थी। पत्रकारों से चर्चा के दौरान उन्होंने कहा कि दो दिन के विदर्भ दौरे पर आए पवार ने गांवों का पंचनामा नहीं होने का आरोप लगाया था। उस पर वाघ ने कहा कि प्रत्येक प्रभावित किसान तक मदद पहुंचेगी, पंचनामा का आदेश पहले ही दे दिया गया था और 50% पंचनामा भी हो चुका है। उन्होंने उमरेठ पुलिस की सराहना की। पीड़ित बच्ची एवं परिवार को जल्द से जल्द मनोधैर्य योजना के तहत आर्थिक मदद की अपील वे संबंधित विभाग से करने वाली है। उमरेड में 11 वर्षीय बच्ची पर सामूहिक दुष्कर्म की घटना के आरोपी रोशन कारगावकर सहित 9 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। इस तरह की घटना न घटे इसीलिए महाविकास आघाड़ी सरकार ने शक्ति कानून लाया था, अब उसके क्रियान्वयन की सख्त जरूरत है। सर्वोच्च न्यायालय की ओर से हरी झंडी मिलने के बाद स्थानीय निकाय चुनावों में ओबीसी आरक्षण की लॉटरी को लेकर राज्य चुनाव आयोग की ओर से प्रक्रिया पूरी की गई है। अब प्रत्येक प्रभागों में जाति निहाय सीटों का आरक्षण पूरा होने से स्थिति स्पष्ट हो गई है। यही कारण है कि भाजपा और कांग्रेस जैसे राजनीतिक दल सीटों पर प्रत्याशियों के नामों पर मंथन में जुट गई है।
एक ओर जहां भाजपा पुनः एक बार सर्वे करने के मूड में है, वहीं दूसरी ओर कांग्रेस भी अधिकांश प्रभागों में नए चेहरे देने पर मंथन कर रही है। जानकारों के अनुसार मनपा में 5 वर्ष का कार्यकाल पूरे होने के कुछ समय से पहले ही भाजपा की ओर से सर्वेक्षण किया गया था, जिसमें 70% वर्तमान पार्षदों के टिकट कटने की संभावना जताई जा रही थी। इसके बाद भी कई सर्वे किए गए। माना जा रहा था कि भाजपा की ओर से 4 सदस्यीय प्रभाग के अनुसार सर्वे कराया गया, किंतु अब 3 सदस्यीय प्रभाग निश्चित होने के कारण पुनः सर्वे होने की जानकारी सूत्रों ने दी है। जानकारी के अनुसार प्रभाग आरक्षण निर्धारित होने तथा अब केवल चुनाव की घोषणा बची होने के कारण जहां बड़े दल पहले से तैयारी में जुट गए, वहीं छोटे दल अभी भी वेट एंड वॉच की भूमिका में हैं। पिछले कुछ दिनों से रेलवे में पेपरलेस वर्क को बढ़ावा देने का अभियान तेज कर दिया गया है। मध्य रेल नागपुर मंडल में कुछ प्रमुख ट्रेनों में HTD डिवाइस के जरिए यात्रियों को टैब पर ऑनलाइन करंट स्टेटस दिखाया जा रहा है। साथ ही बर्थ अलॉटमेंट को लेकर पारदर्शिता काफी बढ़ गई है। जल्दी अजनी और अमरावती के बीच चलने वाली ट्रेन नंबर 12120 अमरावती अजनी अमरावती एक्सप्रेस में भी HTT सिस्टम लागू कर दिया जाएगा। हालांकि ये ट्रेन नागपुर के बजाय भुसावल मंडल से संचालित होती है। ज्ञात हो कि HTT डिवाइस को सीधे IRCTC और रेलवे के आरक्षण सर्वर से जोड़ा गया है। ऐसे में हर घंटे में रद्द की जा रही टिकटों के चार्ट में हो रहे बदलाव की जानकारी तुरंत मिल जाती है। पेपर चार्ट सिस्टम में ये पता नहीं चल पाता था। ऐसे में कई बार वेटिंग टिकट पर सफर कर रहे हकदार यात्री को सीट नहीं मिल पाती थी। साथ ही चलती ट्रेन में ऑनलाइन कनेक्टिविटी बनाए रखने के लिए इन HTT डिवाइस को सीधे सैटेलाइट से जोड़ा गया है। इससे इनकी सर्वर कनेक्टिविटी फेल होने की संभावना कम होती है और बिना रुकावट के चार्ट अपडेशन मिलता रहता है। जूनियर कॉलेज में गैर आर्थिक वर्ग के पूर्णकालिक पद पर 1 नवंबर 2005 के पहले से कार्यरत होने के बावजूद पुरानी पेंशन के लाभ से वंचित रखे जाने के खिलाफ 20 से अधिक शिक्षकों की ओर से हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया। याचिका पर हुई लंबी सुनवाई के बाद न्यायाधीश अतुल चांदुरकर और न्यायाधीश उर्मिला जोशी ने सभी शिक्षकों को 22 अगस्त 2022 को शिक्षा उपसंचालक के समक्ष उपस्थित रहने के आदेश दिए। साथ ही यदि शिक्षक पुरानी पेंशन योजना के हकदार पाए जाते हैं तो संबंधित शिक्षकों की योग्यता के आधार पर उनके नाम से 4 सप्ताह के भीतर GPF खाते खोलने के भी आदेश शिक्षा उपसंचालक को दिए। याचिकाकर्ताओं की ओर से एडवोकेट AG आम्बेडकर और सरकार की ओर से मुख्य सरकारी वकील केतकी जोशी ने पैरवी की। याचिकाकर्ता की ओर से पैरवी कर रहे एडवोकेट आम्बेडकर ने कहा कि शुरुआत में सभी याचिकाकर्ता गैर आर्थिक मदद वाले पद पर कार्य कर रहे थे, किंतु बाद में पूर्णकालिक शिक्षक के रूप में आर्थिक मदद वाले पदों पर नियुक्तियां प्रस्तावित हो गई, जिससे उन्हें पुरानी पेंशन योजना के अंतर्गत लेना चाहिए। इसी तरह की एक याचिका में हाईकोर्ट की प्रधान न्यायपीठ की ओर से 1 अक्टूबर 2021 को एक याचिका पर फैसला दिया गया है। पारडी ओवरपास परियोजना में अत्यधिक विलंब हुआ है। नागरिकों में इस बारे में बेहद रोष है। विधायक कृष्णा खोपड़े एवं अन्य स्थानीय जनप्रतिनिधियों के पास इस बारे में कई बार शिकायत पहुंची है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। इस मामले पर खोपड़े ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि इस वर्ष के अंत तक ये फ्लाईओवर का निर्माण कार्य समाप्त हो जाएगा। कलमना मार्केट के पीछे कलमना पुल पर काम शुरू हो गया है। पारडी फ्लाईओवर परियोजना शीघ्र ही पूरी हो जाएगी। इसके अलावा भांडेवाड़ी, डिप्टी सिग्नल, शांतिनगर और कावड़ापेट में भी पुल का काम चल रहा है। पूर्व नागपुर में पारडी फ्लाईओवर के काम की समय सीमा भी खत्म हो चुकी है। तय समय से देरी चलने के बावजूद अब तक पारडी चौक से किसी भी दिशा के लिए फ्लाईओवर शुरू नहीं किया गया है। अक्टूबर 2021 में यह दावा किया गया था कि ये काम 6 महीने में पूरा हो जाएगा। बाद में फ्लाईओवर का एक हिस्सा धस गया था। ढह चुके हिस्से पर काम चल रहा है। फ्लाईओवर पर गर्डर लॉन्चिंग का काम चल रहा है, जो साल के अंत तक खत्म होने की संभावना है। यातायात पुलिस ने मोटर वाहन अधिनियम के विभिन्न धाराओं के अंतर्गत कुल 3,677 वाहन चालकों पर कार्रवाई की और उनसे कुल मिलाकर 5,25,000 रुपए का जुर्माना वसूला। मुंबई शराबबंदी अधिनियम के अंतर्गत 7 मामलों में 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया और उनसे 7,000 रुपए का सामान जब्त किया गया है। इसके अलावा जुआ अधिनियम के अंतर्गत 6 मामलों में 15 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया और उनसे 86,000 रुपए का सामान जब्त किया गया। उपरोक्त सभी ऑपरेशन संयुक्त रूप से नागपुर सिटी पुलिस द्वारा किए गए। ट्रैफिक विभाग ने यह आह्वान किया है कि नागरिक वाहन चलाते समय वाहन से संबंधित सभी दस्तावेज अपने पास रखें। नागपुर महानगर पालिका क्षेत्र के टीकाकरण केंद्रों पर प्रतिदिन टीकाकरण किया जा रहा है, इसलिए मनपा के सभी टीकाकरण केंद्रों पर आज केवल कोविशील्ड का टीका उपलब्ध होगा।
टीका दोपहर 2 बजे तक दिया जाएगा। टीकाकरण के लिए पंजीकरण ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों पद्धतियों से किया जा सकता है। साथ ही निगम के स्वास्थ्य विभाग की ओर से टीकाकरण के लिए जाते समय एक पंजीकृत मोबाइल फोन और पहचान पत्र साथ में रखने की अपील की गई है। मनपा चुनाव में बीते चुनाव की अपेक्षा ओबीसी वर्ग को कम सीटें मिलने से समाज में रोष देखा जा रहा है। भाजपा विधायक कृष्णा खोपड़े ने आरोप लगाया कि महाविकास आघाड़ी सरकार ने अदालत त्रुटिपूर्ण जानकारी के आधार पर बोगस एम्पिरिकल डाटा सादर किया, जिसके चलते अन्याय हुआ है। दरअसल कांग्रेस की मानसिकता ओबीसी आरक्षण को खत्म कर ओपन से चुनाव करवाने की थी, जिसके चलते ही जिला परिषद एवं अन्य स्थानीय निकाय चुनाव में ओबीसी बिना चुनाव करवाया गया। उन्होंने कहा कि वर्ष 2017 के चुनाव में नागपुर मनपा के 41 सीटें ओबीसी के लिए आरक्षित थी, जिसके लिए 2011 जनगणना को आधार लिया गया था। उस समय मनपा में 151 नगर सेवक थे और 24 लाख जनसंख्या के चलते 27% आरक्षण में 41 सीटें मिली थी। लेकिन एक दिन पहले निकाले गए ड्रॉ में भी 2011 की जनगणना को आधार मानते हुए ओबीसी आरक्षण निकाला गया। कुल 156 सीटें होते हुए भी केवल 35 सीटें ओबीसी को मिली, जो 23% होती है, जबकि शहर की जनसंख्या बढ़कर अब 35 लाख के करीब हो गई है। उस हिसाब से ओबीसी को 50 सीटें मिलनी थी। उन्होंने आरोप लगाया कि 2021 में जनगणना करना बंधनकारक होते हुए भी कांग्रेस सोती रही। हमारा देश 16 लाख करोड़ रुपए के तेल एवं ईंधन का आयात कर रहा है और इस लागत को कम करने के लिए बायो सीएनजी ग्रीन हाइड्रोजन का अत्यधिक उपयोग किया जाना चाहिए। अगर सौर ऊर्जा की मदद से ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन किया जाता है तो उपभोक्ताओं को सस्ती दरों पर बिजली उपलब्ध होगी। इस आशय के विचार व्यक्त करते हुए केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने रविवार को नागपुर में आह्वान किया। ग्रीन हाइड्रोजन भविष्य का ईंधन है और चूंकि ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन बायोमास से होता है, इसलिए किसानों को ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन करना चाहिए। वे अखिल भारतीय अक्षय ऊर्जा संघ के नागपुर मुख्यालय के उद्घाटन समारोह के अवसर पर बोल रहे थे। इस अवसर पर महाराष्ट्र राज्य के ऊर्जा सचिव दिनेश वाघमारे, महाराष्ट्र ऊर्जा विकास एजेंसी महाऊर्जा के महानिदेशक रविंद्र जगताप मुख्य रूप से उपस्थित थे। गडकरी ने बताया कि अक्षय ऊर्जा में और सौर ऊर्जा का योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण है और ऊर्जा पास 40% से अधिक का योगदान है। 250 गीगावाट ऊर्जा उत्पादन की क्षमता इस सेक्टर में है। सौर ऊर्जा में 7,80,000 करोड़ का निवेश किया गया है और इस क्षेत्र में रोजगार के भी काफी अवसर उपलब्ध होंगे। खंडेलवाल महिला मंडल द्वारा सिंजारा उत्सव एवं हरियाली तीज का कार्यक्रम खंडेलवाल भवन में पूरे हर्षोल्लास से मनाया गया। समाज की महिलाओं ने बड़ी संख्या में उपस्थित रहकर कार्यक्रम को सफल बनाने में अपना योगदान दिया। कार्यक्रम की शुरुआत गणेश वंदना से की गई। समाज की वरिष्ठ महिलाओं द्वारा दीप प्रज्वलन किया गया। तत्पश्चात झूले की पूजा नव वधुओं द्वारा कराई गई। महिला मंडल द्वारा मारवाड़ी नृत्य कर अपना परिचय दिया। मंच संचालन योगिनी सिरोया एवं शिल्पा सिरोया ने बखूबी निभाया। एक के बाद एक सांस्कृतिक कार्यक्रम मनोरंजक खेल का आयोजन किया गया। पूर्व अध्यक्ष ज्योति कुलवाल द्वारा नवनिर्वाचित अध्यक्ष संगीता पटोदिया को कार्यभार सौंपा गया। कार्यक्रम को सफल बनाने में खंडेलवाल महिला मंडल के सभी सदस्यों द्वारा प्रयास किया गया। कार्यक्रम के अंत में निशा भूखमारिया, सीमा भूखमारिया, उमा कुलवाल, नम्रता पटोदिया, पूनम तोडवाल, संस्कृति पटोदिया, रितु खुटेटा को पुरस्कार वितरित किया गया। महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा में भारतीय दार्शनिक अनुसंधान परिषद तथा सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद नई दिल्ली के सहयोग से भारतीय डायस्पोरा का वैश्विक परिप्रेक्ष्य जीवन और संस्कृति विषय पर 2, 3 और 4 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी आयोजित की जा रही है। यह जानकारी महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर रजनीश कुमार शुल्क ने रविवार 31 जुलाई को आयोजित ऑनलाइन पत्रकार वार्ता में दी। उन्होंने कहा कि पिछले 50 वर्षों में भारतीय डायस्पोरा का प्रभाव और स्वभाव बदला है। दुनिया भर में 2 करोड़ से अधिक भारतवासी बसे हैं। भारत के बाहर बसे भारतवासियों ने भारत की सांस्कृतिक विरासत को विकसित करने में अपना अमूल्य योगदान दिया है। संगोष्ठी में भारत के आयरलैंड, इंग्लैंड, उज्बेकिस्तान, न्यूजीलैंड तथा मॉरिशस सहित कई देशों के विज्ञान शिरकत करेंगे। संगोष्ठी का उद्घाटन 2 अगस्त को पूर्वाह 9:30 बजे विश्वविद्यालय के कस्तूरबा सभागार में किया जाएगा। भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद नई दिल्ली के अध्यक्ष डॉ. विनय सहस्त्रबुद्धे उद्घाटन समारोह के मुख्य अतिथि होंगे। कार्यक्रम की अध्यक्षता विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर रजनीश कुमार शुल्क करेंगे। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में बिहार विधान परिषद के सदस्य एवं पूर्व केंद्रीय मानव संसाधन विकास डॉक्टर संजय पासवान, डॉक्टर बालमुकुंद पांडे एवं डॉक्टर सच्चिदानंद मिश्र उपस्थित रहेंगे।
सावनेर स्थित अरविंद इंडो पब्लिक स्कूल में बड़ी सादगी से उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद की जयंती स्कूल के सदन में मनाई। स्कूल के निदेशक एडवोकेट चंद्रशेखर बरेडिया एवं सूबेदार महेंद्र सिंह की प्रमुख उपस्थिति में मुंशी प्रेमचंद्र की प्रतिमा पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। स्कूल के प्राचार्य राजेंद्र मिश्रा ने गर्मजोशी से अतिथियों का स्वागत किया। स्कूली विद्यार्थियों ने मुंशी प्रेमचंद्र जी की जीवन यात्रा पर प्रकाश डालने का सफल सार्थक प्रयास किया। स्कूल के प्राचार्य राजेंद्र मिश्र ने कहा कि साहित्य मनुष्य को संवेदनशील बनाता है। मुंशी प्रेमचंद्र विश्व साहित्य में एक अग्रणी लेखक एवं उपन्यासकार माने जाते हैं। सामाजिक यथार्थ का बोध करता हुआ प्रेमचंद्र का साहित्य मानव परिवर्तन की प्रेरणा देता है, साथ ही मानव जाति को उत्कृष्ट जीवन मूल्यों की दिशा में संघर्षरत रहने के लिए प्रेरित करता है। स्कूल निदेशक एडवोकेट चंद्रशेखर बरेडिया ने कहा कि विभिन्न सामाजिक पहलुओं पर मुंशी प्रेमचंद्र की लेखनी अनवरत चलती रही। उनकी अमर रचनाएं विद्यार्थियों में नैतिक स्वतंत्र विचार अभिव्यक्ति और आत्मरक्षा की भावनाएं जगाने में सफल सिद्ध हुई है। स्कूली विद्यार्थियों ने अपने अपने अनुच्छेदों में माध्यम से उन्हें स्मरण किया। अरविंद बाबू देशमुख प्रतिष्ठान के कार्यकारी अध्यक्ष डॉ. आशीष देशमुख स्कूल के उपक्रम की सराहना करते हुए सहभागी विद्यार्थियों का अभिनंदन किया। कोरोना संक्रमितों की संख्या में बढ़ोतरी के साथ साथ मौतों का भी आंकड़ा भी बढ़ने लगा है। एक सप्ताह के भीतर हर दिन किसी न किसी मरीज की मौत हुई है। नागपुर जिले में रविवार को 174 नए कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। एक मरीज की मौत हो गई है। अब तक कुल मरीजों की संख्या बढ़कर 500,000 तक 84 तक पहुँच गयी है। एक मौत दर्ज होने के साथ साथ कुल मौतों की संख्या 10,346 तक पहुँच गयी है। पिछले 24 घंटों में 212 व्यक्ति कोरोना को मात देकर ठीक होकर घर वापस गए हैं। ठीक होने वाले मरीजों की संख्या 572,000 तक पहुंच गई है। जिले में सक्रिय मामलों की संख्या घटकर 2,300 तक पहुंच गई है। रविवार को मिले मरीजों में से नागपुर के ग्रामीण अंचल में 80 नए मामले दर्ज किए गए हैं। 94 मरीज नागपुर शहर से सामने आए हैं। नागपुर जिले का रिकवरी रेट 97.97% दर्ज किया गया है। कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर ने केंद्र सरकार से उपभोक्ताओं को उत्पादन के लिए नकली और भ्रामक समीक्षाओं से बचने के लिए एक सुनियोजित रूप से परिभाषित नीति को तुरंत लागू करने का आग्रह किया है। कैट ने कहा है कि इसी तरह की सक्षीमा उपभोक्ताओं की खरीद पसंद को काफी हद तक प्रभावित करती है और भ्रामक समीक्षा उनके साथ एक धोखाधड़ी है। इस संदर्भ में ब्रांड एम्बेसडर्स, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स तथा माल एवं सेवाओं को नकली और भ्रामक समीक्षाओं पर नीति के दायरे में लाया जाना चाहिए। कैट ने यह भी कहा है कि किसी उत्पादों या सेवाओं को रेटिंग का वर्णन करना भी समीक्षा के लिए नीतिगत ढांचे का हिस्सा होना चाहिए। इस संदर्भ में उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर गंभीरता से विचार करते हुए 10 जून 2022 को ई कॉमर्स में नकली और भ्रामक समीक्षाओं से उपभोक्ताओं हितों की सुरक्षा के लिए एक समिति का गठन किया है, जो इस मुद्दे के सभी पहलुओं को समझते हुए नकली और भ्रामक समीक्षाओं पर अंकुश लगाने के लिए एक रूपरेखा तैयार करेगी। एवं राष्ट्रीय महामंत्री प्रवीण खंडेलवाल ने इस बारे में विविध मांगे सरकार के सक्षम रखी है और उसे अतिशीघ्र पूर्ण करने की अपील की है। डिप्टी सिग्नल में हुई दुर्घटना में गड्ढे में गिरने से 12 वर्षीय बालक की मौत हो गई। विधायक कृष्णा खोपड़े ने स्थानीय अधिकारी तथा ठेकेदार के साथ घटनास्थल का जायजा लिया। मृतक बालक के परिजनों से मिलकर सांत्वना दी। बालक के परिवार में माता पिता तथा दो बहनें हैं। उसकी मौत के बाद से परिवार सदमे में है। भविष्य में इस प्रकार की कोई घटना न हो, इस दृष्टि से एहतियात बरतने के आदेश विधायक खोपड़े ने प्रशासन को दिए। विधायक कृष्णा खोपड़े ने कहा कि आने वाले समय में इस तरह की दुर्घटना की पुनरावृत्ति न हो, इसके लिए आवश्यक कदम उठाए जाए। मृतक बालक के परिवार की आर्थिक परिस्थिति देखते हुए 5,00,000 रुपए की मदद की गई। इस अवसर पर पूर्व नगर सेवक सरिता कावरे, प्रदीप पोहाने, अनिल गेंद्रे, संजय अवचर, सेतराम सेलोकर, अजित कौशल, भारत सारवा, टेकचंद्र सोनबोईर, कमलेश साहू, गोविंदा काटेकर, नंदू अहिर, संजय साहू, राजकुमार सारवा, लोकेश बावनकर, नरेंद्र बघेल, अनुज कोसरे, महिपत गुजले, विष्णुदास गेंद्रे, धनीराम मारखंडे, नीलेश बंजारे, सुनील सूर्यवंशी, नरसिंहभाई पटेल, एजाज शेख आदि उपस्थित थे। शहनशाह तरद्दुम के नाम से मशहूर मोहम्मद रफी साहब भारतीय सिनेमा के सदाबहार गायकों में से एक है। 24 दिसंबर 1924 में जन्मे मोहम्मद रफी जी ने अपने गांव के एक फकीर की नकल करते करते गाना सीखा था और लगभग हर मिजाज के गीतों को गाया है। सावनेर स्थित अरविंद इंडो पब्लिक स्कूल में रफी की पुण्यतिथि पर उन्हें संगीत श्रद्धांजलि दी गई।
स्कूल के प्राचार्य राजेंद्र मिश्र ने मोहम्मद रफी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। स्कूल के निदेशक एडवोकेट चंद्रशेखर बरेठिया ने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए मोहम्मद रफी को सदी का महान गायक कहा। स्कूल की संगीत शिक्षिका स्मिता अटलकर ने रफी के सुपरहिट गीतों के द्वारा उन्हें श्रद्धांजलि दी। स्कूली विद्यार्थियों ने भी रफी को याद किया। स्कूल के प्राचार्य राजेंद्र मिश्र ने सदन को संबोधित करते हुए कहा कि मोहम्मद रफी ने मात्र 13 साल की उम्र में अपनी पहली परफॉर्मेंस दी थी और अपने करियर में लगभग 28,000 गाने गाए थे। कुंदनलाल सहगल की अनुमति से उन्हें लाहौर में एक कॉन्सर्ट में गाने की अनुमति मिली। 1948 में राजेंद्र कृष्ण द्वारा लिखी गीत सुनो सुनो ये दुनिया वालों बापूजी की अमर कहानी से उन्होंने अपनी अलग पहचान बनाई। हर परिवार को उनका अपना आशियाना दिलाने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना चलाई जा रही। नागपुर में NMRDA के माध्यम से संचालित इस योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन लिए गए थे। 6,772 लोगों ने आवेदन किया था, जिनमें 2,000 रुपए प्रत्येक आवेदन शुल्क लिया गया था। लाभार्थियों को लॉटरी निकालकर आवास दिया जाना था। पहले चरण में 1,231 लोगों की लॉटरी लगी है, जिन्होंने अपने सपनों का आशियाना मिलेगा। NMRDA आयुक्त मनोज कुमार सूर्यवर्षी ने लाभार्थियों से अपील की है कि वे आवास योजना की शर्तें पूरी करने वाले दस्तावेज प्रकल्प विभाग गोकुलपेट कार्यालय में पेश करें और आवास की रकम जमा कर अपना घर अपने कब्जे में ले। लाभार्थियों की सूची अथॉरिटी की वेबसाइट पर जारी की गई है। बताया गया कि अथॉरिटी के माध्यम से PM आवास योजना के तहत तरोडी खुर्द और वंजारी में फ्लैट स्कीम बनकर तैयार है। इससे पहले 2 बार लॉटरी निकालकर लाभार्थियों का चयन किया गया। फ्लैट खरीदी के लिए कर्ज की शर्तों का पूरा नहीं कर पाने से जिनके आवंटन रद्द किए गए हैं उसके लिए नए सिरे से आवेदन मंगवा कर लॉटरी निकाली गई। इसमें SSC वर्ग के लिए 154, ST के लिए 104, दिव्यांग के लिए 55, ASD कैटेगरी के लिए 25 और ओपन के लिए 893 लाभार्थियों का समावेश है। तो नागपुर हलचल में आज इतना ही। कल फिर मिलेंगे। देखते रहिए VK News। नमस्कार।